फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे किचन में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटर कचौरी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले हम आटा लगा लेते हैं, मतलब डो लगा लेते हैं। तो मैंने 1 कप मैदा लिया है और 1 कप मैदे में मैं 1/4 कप गेहूं का आटा, अपना जो रेगुलर आटा होता है, वो मिला रही हूँ। उसके बाद 1 टीस्पून में यहाँ पे अजवाइन ले रही हूँ, उसको ऐसे हाथ से ही मसल के हमें डालना है। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ, 1/2 लेमन जूस डालेंगे। लेमन जूस डालने का कारण ये है कि हम जब कचौरियाँ तलेंगे तो उसके ऊपर बबल्स नहीं आएंगे। उसके बाद 4 टेबलस्पून हमें घी डालना है, आप घी के अलावा ऑयल भी डाल सकते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं कि मैं ऐसा करने पर भी हमारा आटा बन नहीं रहा है, तो हमें और थोड़ी घी की ज़रूरत है, तो हम थोड़ा घी और डाल लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने आटे में 2 चम्मच और घी डाल के उसे अच्छे से मोइन कर दिया है। तो अभी हमें ठंडा पानी लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका थोड़ा सा कड़क आटा गूंद लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा आटा गूंद चुका है। अभी हम इसे थोड़ी देर रेस्ट करने देंगे, तब तक हम मसाला बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने एक पैन में घी डाला हुआ है, तो हम उसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे। हींग के बाद डालेंगे हम 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून के जितना लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, 1/2 टीस्पून हम डालेंगे गरम मसाला, 1/2 टीस्पून डालेंगे हम जीरा पाउडर, 1/4 TSP के जितना ब्लैक सॉल्ट डालेंगे, ब्लैक सॉल्ट ज़्यादा नहीं डालना है, 1/2 TSP अमचूर पाउडर, और डालेंगे 1/2 TSP जितना मैंने ये जो फाइनल सीड रहती है उसको आधा बारीक कर लिया है। अभी पहले हम इसको अच्छे से थोड़ा सा मिला लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून जितना बेसन और सॉल्ट एज पर टेस्ट। अभी इसको हमें अच्छे से 5 से 7 मिनट तक रोस्ट कर लेना है ताकि बेसन और मसाले अच्छे से भुन जाए। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे थोड़ी घी की ज़रूरत लग रही है, तो मैं थोड़ा सा 1 टेबलस्पून जितना घी वापस डाल रही हूँ और अच्छे से इसको भून लेंगे। अब ये कम से कम 7 से 8 मिनट हो गए हैं, अभी मैंने ये अच्छे से रोस्ट कर लिए है सारे मसाले। तो अभी मैं गैस बंद करके इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब इसी पैन में मत छोड़िएगा, अदरवाइज अपने जो मसाले है वो जल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा मसाला ठंडा हो रहा है, तब तक हम उसकी स्टफिंग बना लेंगे। तो उसी पैन में मैं वापस 1 से 2 टेबलस्पून जितना घी ले रही हूँ। उसमें मैं डालूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, मिर्ची की पेस्ट, मिर्ची का प्रमाण आप अपने स्वादानुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून जितना डाला है। 1 मिनट होने के बाद यहाँ पे मैंने जो अपने मटर रहते हैं, फ्रेश वाले मटर लिए हैं मैंने, और उसको मैंने मिक्सी में ऐसा दरदरा पीस लिया है, पल्स मोड पे मैंने पीस लिया है, पूरा ग्राइंड नहीं करना है। उसको भी हम अभी इसी स्टेज में मिला देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी रहता है, तो वो पानी हमें पूरा एब्जॉर्ब करना है, पूरा सोक कर लेना है। तो इसको अच्छे से 7-8 मिनट तक हमें भुनना पड़ेगा, जब तक के पूरे मटर का पानी चला नहीं जाता और मटर पूरा ड्राई नहीं हो जाता और उसका जो कच्चापन है वो भी पूरी तरह से निकल नहीं जाता। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कम से कम मैंने 5-6 मिनट भुनने के बाद अभी हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून के करीब कोकोनट, जो हमारा ड्राई कोकोनट आता है वो डाल देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 मीडियम उबला हुआ आलू लिया है, उसको कद्दूकस करके लिया है, वो भी डाल देंगे। आलू डालने की वजह इसलिए है कि ये थोड़ा सा उसको बाइंडिंग देगा, तो हमें आलू डालना है। उसके बाद डालना है लेमन जूस, नमक स्वादानुसार। अभी लेमन जूस डाला है तो शक्कर तो चाहिए, तो शुगर डालिए थोड़ी, मतलब स्वीट और थोड़ा सा खट्टा, ऐसा अच्छे से उसमें फ्लेवर आए। अब इसको अच्छे से कंबाइन करना है, ये मिक्सचर अच्छे से
भुन जाना चाहिए और ज़्यादा उसमें पानी का कंटेंट नहीं होना चाहिए, बस इसी बात का आप ध्यान रखिए। अभी ढेर सारी धनिया पत्ती डालेंगे और ये जो हमने मसाला रेडी करके रखा था वो मसाला भी डाल देंगे और अभी ये सब हम लोग मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह से पूरी तरह से हमारा मिक्स हो चुका है और अभी हम इसे ठंडा कर लेंगे और फिर कचौरिया करने के लिए लेंगे। आपने ये पूरा मसाला अच्छे से मिक्स कर लिया, उसके बाद एक बार इसमें टेस्ट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर नमक या नींबू आपको अगर कम लगता है तो आप इसी स्टेज पे डाल सकते हैं, अदरवाइज़ पूरी कचौरिया होने के बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसी स्टेज पे हमको टेस्ट करके इसमें नमक वगैरह डाल देना है। तो अभी ये देखिए हमारा मसाला पूरी तरह रेडी हो चुका है, अभी हम इसे ठंडा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा आटा भी कम से कम 15-20 मिनट हो चुके हैं उसको। अभी इसको अच्छे से हम मसल लेंगे एक बार और इसके छोटे छोटे गोले रेडी कर लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने जो मिक्सचर बनाया था उसमें से मैंने ऐसे छोटे छोटे गोले रेडी कर लिए हैं, मतलब हम लोगों को कचौरी में फिल करने के लिए आसानी हो जाएगी। तो अभी ऐसे छोटे छोटे गोले करते हुए हम कचौरिया कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने ऐसा एक गोला ले लिया है और उसको अभी हमें एक पूरी के जैसा शेप करना है। और अभी इसमें हमने ये जो गोले बनाए हैं वो रख देने हैं और रखने के बाद जस्ट इसको ऐसे कवर कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और इसको ऐसे पास पास ले आके कवर कर देना है। तो ये हो जाएगी आपकी मिनी कचौरी रेडी, ऐसा आप एक शेप दे सकते हैं। और अभी हमें इसको मीडियम हॉट तेल में फ्राई करना है, मतलब तेल ज़्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए। अभी डालने के बाद हमें तुरंत इसको हिलाना भी नहीं है, उसको आराम से पकने देना है। अभी कम से कम 2 मिनट हो चुके हैं तो अभी हम इसे टर्न कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा इसे कलर आ रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए अच्छे से हमारी कचौरिया गुलाबी रंग होने तक तल चुकी है, अभी हम इसको निकाल लेते हैं और इसी तरह मैं बाकी सारी कचौरियाँ बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी सारी कचौरियाँ तलकर रेडी हो गई है। मैंने इसको ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है, आप टोमेटो सॉस हो या फिर खट्टी मीठी इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और मैंने इसके साथ थोड़ी सी तली हुई स्पाइसीनेस देने के लिए मिर्ची भी रखी हुई है, वो बहुत ही टेम्पटिंग लगती है। तो फ्रेंड्स आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिए, तो फैमिली को खुश कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जैसे कि मैं नए वीडियो जब डालूंगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए फिर ऐसे ही एक नई सी रेसिपी के साथ अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।